बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज हम यहाँ पर डिलाइट फाउंडेशन के ऑर्गेनाइज करदा प्रोग्राम बच्चों की तालीम और तरबियत में वालदेन के किरदार के सिलसिले में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डिलाइट फाउंडेशन क्या है। डिलाइट फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो तालीम के फरोग और तालीम की तरक्की के लिए काम करती है। डिलाइट फाउंडेशन के मकसद क्या क्या हैं? डिलाइट फाउंडेशन के मकसद में शामिल है तालीम की तरक्की और उनमें आने वाले मसाइल का हल और शोबे तालीम से वाबस्ता लोगों की रहनुमाई करना। डिलाइट फाउंडेशन 4 डायरेक्शंस में काम करती है। पहली डायरेक्शन स्टूडेंट, दूसरी डायरेक्शन टीचर्स, तीसरी डायरेक्शन पेरेंट्स और चौथी डायरेक्शन प्रिंसिपल्स। डिलाइट फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए क्या काम करती है? डिलाइट फाउंडेशन स्टूडेंट के लिए एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करती है जहां पर रहकर वो अपने जहनी, जिस्मानी, रूहानी और इल्मी काबिलियत को बढ़ा सकते हैं। डिलाइट फाउंडेशन जो स्पेशल काम करती है स्टूडेंट के लिए, वो स्पेशल काम है करेक्टर बिल्डिंग। क्योंकि तालीम तो तमाम इदारे दे रहे होते हैं, तमाम स्कूल वाले दे रहे होते हैं, मगर करेक्टर बिल्डिंग में लैक आता है। तो डिलाइट फाउंडेशन का स्पेशल काम है स्टूडेंट की करेक्टर बिल्डिंग। उसी सिलसिले में डिलाइट फाउंडेशन एक सेमिनार कर चुकी है जिसमें स्टूडेंट्स को 20 करेक्टर में से 10 करेक्टर्स जो है वो पढ़ाए जा चुके हैं। इसके अलावा डिलाइट फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए और क्या काम करती है और क्या काम करना चाहती है? इसके अलावा डिलाइट फाउंडेशन स्टूडेंट के लिए बहुत सारे क्लब्स ऑर्गेनाइज करना चाहती है, जैसे कि साइंस क्लब, मैथ क्लब, ज्योग्राफिक क्लब वगैरह। इसके अलावा डिलाइट फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे सेमिनार्स भी मुनक्किद करती है जिसमें करेक्टर बिल्डिंग और कैरियर काउंसलिंग वगैरह शामिल है। सेकंड डायरेक्शन की बात करते हैं हम। सेकंड डायरेक्शन टीचर्स। डिलाइट फाउंडेशन टीचर्स के लिए क्या काम करती है? डिलाइट फाउंडेशन टीचर्स के लिए 2 डायरेक्शंस में काम करती है। एक तो टीचर को जनरल सब्जेक्ट्स के बारे में अवेयरनेस देती है, जनरल सब्जेक्ट के लिए तैयार करती है, और जो सेकंड डायरेक्शन है वो किसी एक खास मजमून में उनको स्पेशलाइज कराती है। डिलाइट फाउंडेशन टीचर्स के लिए और क्या काम करती है? डिलाइट फाउंडेशन टीचर्स के लिए बहुत सारे सेमिनार्स मुनक्किद करती है जिसमें उन्हें बच्चों की तालीम के दरमियान आने वाले प्रॉब्लम्स किस तरह से रिजोल्व किया जाए बताया जाता है। मौजूदा क्लासरूम में जो पढ़ाई हो रही होती है तो किस तरह से क्लासरूम की पढ़ाई को इफेक्टिव और पॉजिटिव बनाया जाता है ये बताया जाता है। इसी मत के हम बहुत सारे सेशंस कर चुके हैं, आई थिंक 3 सेशन हम मुकम्मल कर चुके हैं जिसमें टीचर को ट्रेन किया गया है और टीचर को टीचिंग मेथडोलॉजी के बारे में अवेयरनेस दी गई है। अब हम बात करते हैं कि डिलाइट फाउंडेशन प्रिंसिपल्स के लिए किस तरह काम करती है। डिलाइट फाउंडेशन प्रिंसिपल्स को ये बताती है कि किस तरह वो अपने महदूद वसाइल को इस्तेमाल करते हुए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरह से वो एक इफेक्टिव और एक रिजल्ट ओरिएंटेड करिकुलम डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा डिलाइट फाउंडेशन और क्या करती है प्रिंसिपल्स के लिए? डिलाइट फाउंडेशन प्रिंसिपल्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करती है जहां पर वो एक दूसरे को अप्रिशिएट कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हैं। डिलाइट फाउंडेशन प्रिंसिपल्स ट्रेनिंग सेशन भी कंप्लीट कर चुकी है। अब हम आते हैं 4 डायरेक्शन की तरफ। 4 डायरेक्शन क्या है? 4 डायरेक्शन है पेरेंट्स।
डिलाइट फाउंडेशन पेरेंट्स के लिए किस तरह से काम करती है? डिलाइट फाउंडेशन पेरेंट्स के लिए जो काम कर रही है उसी की एक कड़ी आज का सेशन है। हम पिछला सेशन जो है वो बच्चों की तालीम और तरबियत में वालिदैन का किरदार कर चुके हैं, और जिसमें आपको बताया गया कि तालीम क्या है। आज के सेशन में आपको बताया जाएगा कि बच्चों की जिस्मानी, जहनी, रूहानी और किरदारी तालीम और तरबियत किस तरह से की जाए। अब हम आ जाते हैं डिलाइट फाउंडेशन के फाउंडर की जानिब। तो जनाब, डिलाइट फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं वो हैं जाहिद अली मुगल। सर जाहिद अली मुगल की अगर हम बात करें तो सर जाहिद अली मुगल का ताल्लुक तालीम और तरबियत से 30 साल है। गुज़िश्ता 30 साल से वो बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम उनकी एकेडमिक एजुकेशन की बात करें तो उनकी एकेडमिक एजुकेशन MSc इन फिजिक्स, MA इन फिलोसफी और BEd। अगर हम इसके अलावा भी बात करें कि और वो क्या क्या करते हैं तो उनका ताल्लुक इंटरनेट के साथ बहुत स्ट्रांग है। वो हर वक्त सर्चिंग में लगे रहते हैं और देखते हैं कि पूरी दुनिया में क्या निज़ाम तालीम राइज है और मज़ीद इसके अंदर क्या करना चाहिए मुझे, और हम अपने जो हमारे जो तालीम इदारे हैं उनकी बेहतरी के लिए हमें क्या काम करना है। मतलब हर वक्त वो इसी बात में लगे रहते हैं। तो आज का ये सेशन कंटिन्यू करने के लिए मैं दावा देती हूँ सर जाहिद अली मुगल को।